इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल की कक्षा 2 का पाठ 7, जिसका शीर्षक है मित्र सदा पेड़ों को माने, यानी पेड़ों को हमेशा अपना दोस्त माने। क्यों माने हम पेड़ों को अपना दोस्त? क्योंकि पेड़ हमें ठंडी छाया, शुद्ध हवा, ताजे फल फूल, लकड़ी, गोंद और भी बहुत सारी चीजें देते हैं, जिनसे हम औषधि व कागज आदि बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पेड़ों से हमें लाभ ही लाभ होता है और वो बदले में हमसे कुछ मांगते भी नहीं, बस इनको थोड़ी सी खाद पानी व थोड़ी सार संभाल चाहिए, वह भी जब ये छोटे होते हैं उस समय। तो बच्चों, हमारी आज की कविता में भी हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, वो हमें क्या क्या देते हैं, उनको हम अपना दोस्त क्यों माने, यही सब बताया है कि इनसे हमें क्या लाभ हो कि हम इनको अपना दोस्त बनाएं। एक बार कविता का सहस्वर पठन कर लेते हैं, फिर इसको अर्थ के साथ समझेंगे। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने, इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम, तंग ने इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने, औषधि लकड़ी फल देते ये, छांव हमें शीतल देते ये, दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने, हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते, इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने, पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी, पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। और इस प्यारी सी कविता को लिखा है घमंडी लाल अग्रवाल ने। अब बच्चों, इसको थोड़ा अर्थ के साथ समझते हैं। जैसा कि हमें इस कविता में बताया कि हमें पेड़ों को अपना दोस्त मानना है, जैसे आपका दोस्त आपकी हर समय सहायता करता है, वैसे ही पेड़ भी हमेशा हमारी सहायता करते हैं। किस रूप में करते हैं ये जानते हैं। पेड़ों की भाषा पहचाने, कवि हमें कह रहे हैं कि आपको पेड़ों की भाषा पहचाननी है, यानी हमें उनके बारे में जानना है कि वो क्या चाहते हैं, इस समय खाद पानी क्या चाहते हैं, उनकी भाषा को हमें पहचानना है, उनसे उनको सहलाना है, उनको पत्तों को तोड़ना नहीं है। और हमें मित्र सदा पेड़ों को माने का अर्थ है हमेशा, हमें हमेशा पेड़ों को अपना दोस्त मानना है, उनके साथ बातें करना है, इन्हें खाद और पानी दे हम। हम बातें किस रूप में करेंगे कि इनकी सार संभाल करें, इनको जंगली जानवर है उनसे बचाएं, जैसे भेड़ बकरी इनको जब ये छोटे होते हैं तो खा जाती हैं, तो उनसे इनकी रक्षा करनी है, इनको समय समय पर खाद और पानी देना है, इनको धूप सुहानी दे हम। धूप सुहानी यानी सुखद या अच्छी लगने वाली इनको धूप लगनी चाहिए। अगर हम पेड़ों को किसी कोने में लगा देंगे जहां पर धूप ही नहीं आ रही हो, तो वहां पर ये अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ये बढ़ेंगे नहीं। तो इनको बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? ताजी हवा, खाद पानी और सूर्य की रोशनी, उसमें ही पौधे बढ़ते हैं। साथ ही हमें क्या ध्यान रखना है? तंग ने इनको करना जाने, हमें पौधों को कभी भी तंग नहीं करना, मतलब इनकी टहनियों को, फूल को, पत्तों को कभी भी नहीं तोड़ना है। मित्र सदा पेड़ों को माने, हमेशा हमें पेड़ों को अपना मित्र बनाना है, मित्र मानना है। जैसे हम अपने दोस्त को कोई कष्ट नहीं दे सकते ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी कोई जानबूझकर कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ये देखो, इस तरह से आप पेड़ों के आसपास की जगह को साफ कर सकते हो और वहां पर खाद पानी देकर यहाँ नए पौधे लगा सकते हो। पेड़ों को हम अपना मित्र क्यों माने? क्योंकि पेड़ हमें औषधि देते हैं, औषधि का अर्थ है जड़ी बूटी या दवा देते हैं। बहुत सारे पेड़ों की लकड़ी से, छाल से, पत्तों से तरह तरह की दवाइयां बनती है। ये हमें लकड़ी देते हैं जो हमें आग जलाने के काम आती है,
कहीं पर घर बनाने के काम आती है, हमारे लकड़ी के दरवाजे खिड़की वगैरह भी हम पेड़ों की लकड़ी से बनाते हैं। ये हमें खाने के लिए मीठे रसीले फल देते हैं, साथ ही ये हमें छांव हमें शीतल देते, शीतल का अर्थ है ठंडी, तो ये हमें ठंडी ठंडी छांव देते हैं। अगर आप धूप में चलकर आ रहे हो और पेड़ की अच्छी सी छाया मिल जाए तो कितना मजा आता है, कितनी शीतल छाया पेड़ हमें देते हैं। दुनिया में ये गुण की खाने, दुनिया में ये मतलब पेड़ गुण की खाने, यानी इनमें गुण ही गुण है, ये गुणों से भरे हुए हैं, क्योंकि इनकी जड़ों से फूल से पत्तों से लकड़ी से हर जगह से हमें लाभ ही लाभ है। इसलिए हमें मित्र सदा पेड़ों को माने, हमें हमेशा पेड़ों को अपना मित्र बनाना है, मित्र मानना है। हवा शुद्ध ये हमको देते, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, बदले में ये कुछ नहीं लेते और बदले में ये हमसे कुछ नहीं लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, कवच का अर्थ है किसी को प्रोटेक्ट करना, तो यहाँ पर पेड़ों को किस तरह से हम सुरक्षा कवच देंगे, बचाव के लिए लकड़ियों का घेरा बना देंगे ताकि कोई भेड़ बकरी इनको खा ना जाए। सुरक्षा ताने, ताने का अर्थ है बनाकर रखेंगे तो फिर ये अंदर से उसमें बढ़ जाएंगे, जब ये 3-4 साल के हो जाएंगे तब इनको कोई खतरा नहीं है, फिर वो अपने आप अपना खाद पानी सब ले लेंगे। तो इसलिए जब तक ये बड़े ना हो हमें इन पर एक सुरक्षा कवच तान कर रखना है। मित्र सदा पेड़ों को माने, हमेशा पेड़ों को अपना मित्र समझना है। पेड़ों की है महिमा न्यारी, महिमा का अर्थ है बड़ाई या गौरव, पेड़ों का गौरव ही न्यारी का अर्थ है, अनोखा है। पेड़ों से महके फुलवारी, क्योंकि पेड़ों से महके का अर्थ है खुशबू फैलाना और फुलवारी का अर्थ है फूलों की क्यारी। तो पेड़ों से आपने देखा होगा आपके आसपास फूलों की क्यारी में कैसे खुशबू फैल जाती है, ये सब किसकी वजह से होता है, पेड़ों पर जो बहुत सारे फल फूल जब लग जाते हैं तो वो सब चारों तरफ पूरे वातावरण में खुशबू फैलाते हैं। पेड़ों का गुणगान बखाने, गुणगान का अर्थ है गुणों का गीत, इनके गुणों का गीत हमें बखाने का अर्थ है प्रचार करना, हमें चारों तरफ बताना है कि पेड़ों में कितने सारे गुण हैं, ताकि हम मित्र सदा पेड़ों को माने, ताकि पेड़ों को हम अपना मित्र माने। तो देखा बच्चों, पेड़ हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं, इनके बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता, इसलिए पेड़ों को हमेशा अपना मित्र बनाना है और इनकी हमें रक्षा करनी है। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग दो में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।